हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टोन। सो बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। सर, जब मैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करूंगा तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मानो अगर मेरे पास एक कंटेनर है और उस मेरे कंटेनर के अंदर मेरे पास एक सॉल्वेंट है, मेरा सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर अ टाइम बीइंग मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि मैं अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट ले लेता हूँ, दैट इज वाटर। सॉल्वेंट कैन बी एनी सॉल्वेंट, प्लीज माइंड इट, मैं पानी ले रहा हूँ, इट कैन बी एनीथिंग। और मैं अगर इसके अंदर कोई सल्यूट ऐड करने वाला, आई एम गोना ऐड सम सल्यूट ओवर हियर, तो सल्यूट ऐड करने के बाद मेरे सल्यूट और सॉल्वेंट में जब इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर हुआ तो कितना एनर्जी में चेंज होगा, अगर नहीं हुआ तो कितना एनर्जी में चेंज होगा, हम उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नाउ सर, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह पता करना है कि एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन कितना होगा, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि डेल्टा एच ऑफ लटाइस कितना है, और उसके बाद में आपको यह समझना पड़ेगा डेल्टा एच of hydration कितना है। Now when I say lattice, I mean to say कि मेरे पास जो crystal होता है, इसको जरा detail में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सर, मैं आपके पास तीन condition देता हूँ, मान लो मैं आपको तीन containers देता हूँ। मान लो मैं आपके पास पहला container देता हूँ और पहले container के अंदर और सब containers के अंदर water होगा, अब please mind it, सब container के अंदर पानी होगा, since मैं उसको universal solvent के तौर पे use कर रहा हूँ। मानो पहले container के अंदर मैं calcium carbonate को डालता हूँ, CaCO3, दूसरे कंटेनर के अंदर मैं यूरिया डालता हूं, दैट इज NH2 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये मेरा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज माय नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और मैंने इसके अंदर डाला है एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नाउ सर, सबसे पहली बात मुझे बताइए, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालता हूँ, मेरा पानी गर्म हो जाता है, ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालूंगा, मैं कैल्शियम कार्बोनेट्स की वजह से मेरा पानी गर्म हो जाता है। नाउ आई गॉट अ क्वेश्चन, व्हाई? सेकंड सर, मैं जब भी यूरिया को पानी में डालता हूँ, मेरा जो सोल्यूशन है, मेरा वो सोल्यूशन है वो कोल्ड रहता है, यानी वो ठंडा हो जाता है। नाउ आई अगेन गॉट अ क्वेश्चन कि क्यों, क्यों मेरा जो सॉल्ट है या जो मेरा सोल्यूशन है वो ठंडा हो जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं H2SO4 को सोल्यूशन में डालूंगा, अगर मैं H2SO4 को इसके अंदर डालूंगा तो क्या होगा, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि चलो उसके उसके ऊपर लास्ट में आते हैं। ना, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाला तो मेरा सोल्यूशन गर्म क्यों हुआ, क्या रीजन था कि मेरा सोल्यूशन गर्म हो गया, इसको समझने के लिए दो चीजों को समझना है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट एक क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल है तो वो लैटिस के फॉर्म में रहेगा, यानी उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, उसका कुछ लैटिस होगा, उसका क्रिस्टल होगा। अगर मुझे पानी में इसको डालना है और ये सोल्यूशन बनना है, सर सबसे पहली चीज है कि उस क्रिस्टल के लैटिस को तोड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू ब्रेक दैट, ताकि वो डिजोल्व हो सके पानी के अंदर। तो सर, वो डिजोल्व होने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? सर, एनर्जी तो सोल्यूशन को, यानी जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसको देनी पड़ेगी। तो मेरा वॉटर, जो फिलहाल मेरा सॉल्वेंट का काम करता है, वो इस लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी देगा, ताकि वो लैटिस अंदर जाने के बाद डिसॉल्व हो जाए। अगर वो अंदर जाने के बाद डिसॉल्व हो गया तो सर मेरे सॉल्यूशन, मेरे सॉल्वेंट ने एनर्जी दिया, तो डोंट यू फील मेरा सॉल्वेंट थोड़ा ठंडा हो जाएगा? सर, तो सबसे पहली बात है, मेरा कैल्शियम कार्बोनेट था, मेरा कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया है, मेरा कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो गया। नाउ सर, डिसॉल्व होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कटायंस में और अनायंस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंस इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, और वो भी यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम 2+ और कार्बोनेट -2 आयन। नाउ सर, सेकंड स्टेप में क्या होता है? सर, एक बार वो कटायन और अनायन में डिसोल्व होके डिसोसिएट हो जाता है, या कटायन और अनायन बना लेता है, उसके बाद मेरा पानी उसको हाइड्रेट करता है। नाउ व्हेन आई से हाइड्रेशन, व्हाट आई मीन टू से हाइड्रेशन, जैसे अगर मेरे पास यहां कैल्शियम 2+ का कटायन है, माय वाटर विल कम, मेरा सॉल्वेंट उसको आएगा और आने के बाद उसको हाइड्रेट करेगा। रीजन ये है, मेरे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सर, मेरा वाटर इज अ डाइपोल कंपाउंड, और मेरा वाटर अगर एक पोलार कंपाउंड है जिसमें डाइपोल है, और जब वो उसका इंटरेक्शन होगा तो हम इसको कहेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दिस विल बी एन आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सर, इसकी वजह से, हाइड्रेशन होने की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है। सर, हमेशा याद रखना, जब भी कटायंस और अनायंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या जब भी पोलार कंपाउंड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लिबरेटेड। तो जब ये इंटरेक्शन होगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो सर, सबसे पहले तो मुझे बताओ सोल्यूशन गर्म क्यों हुआ? सर देखो, सबसे पहली चीज तो यहां मान लो लटाइस को तोड़ने के लिए या लैटिस को तोड़ने के लिए मुझे लेट अस से 70 जूल्स का एनर्जी खर्चा करना पड़ा, तो पानी का 70 जूल से एनर्जी कम हो गया,
उसके बाद जब कटायन और अनायन बना, जब कटायन और अनायन बना और जब हाइड्रेशन हुआ, तो हाइड्रेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ। एनर्जी कितना रिलीज हुआ, लेट अस से मैं कह देता हूं 100 जूल का एनर्जी रिलीज हुआ। सिंस 100 जूल का एनर्जी रिलीज हो रहा है और सिर्फ 70 जूल का एनर्जी यूटिलाइज हुआ था क्रिस्टल को तोड़ने में, तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 30 जूल का एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए मैं कहूंगा मेरा जो सोल्यूशन है वो गर्म हो जाएगा। सर इसका सिंपल रीजन तो मैं ऐसे लिखूंगा कि मेरा एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सर मेरा एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा आपका 70 जूल्स का एनर्जी यूटिलाइज हो गया था, करेक्ट, तो मैं लिखूंगा माइनस 70 जूल्स क्योंकि वो सोल्यूशन से गायब हो गया था, उतनी एनर्जी यूज कर ली थी, प्लस कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, 100 जूल्स ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इनसाइड द सोल्यूशन, सो प्लस 100 जूल्स, सो द आंसर कम्स आउट टू बी प्लस 30 जूल्स। सर 30 जूल से एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हुई है, तो मेरा जो सोल्यूशन है उसमें 30 जूल्स का एनर्जी एड अप हो गया, तो मेरा सोल्यूशन गर्म हो जाएगा। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये उठता है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाला तो सोल्यूशन गर्म होता है, तो यूरिया को पानी में डालने पर सोल्यूशन गर्म क्यों नहीं होता, व्हाई ऑन एडिंग यूरिया द सोल्यूशन बिकम्स कूल, या क्यों सोल्यूशन ठंडा हो जाता है? तो सर इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा, सेम फंडा, मेरे पास पानी होगा, मेरे पास यूरिया का क्रिस्टल आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर अगर यूरिया का क्रिस्टल आएगा तो पानी को यानी सॉल्वेंट को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उस क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए ताकि वो डिजोल्व हो सके। तो मेरा यूरिया सबसे पहले क्या होगा, यूरिया सबसे पहले डिजोल्व हो जाएगा, नाउ इट विल डिजोल्व। सर अगला क्वेश्चन ये है, क्या डिजोल्व होने के बाद यूरिया डिसोसिएट होगा? सर यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा। अगर यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा तो क्या कटायन और अनायन प्रोड्यूस होंगे? सर नहीं प्रोड्यूस होंगे। अगर कटायन और अनायन प्रोड्यूस ही नहीं हुए तो क्या हाइड्रेशन होगा? सर हाइड्रेशन नहीं होगा, और अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो सर ऐसे सोल्यूशन में जहां आपने एक चीज को डाला और जहां सिर्फ एनर्जी सोल्यूशन की यूटिलाइज हो रही है पर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो सोल्यूशन हमेशा ठंडा होगा सोल्यूट ऐड करने पर। तो मैं यूं कह सकता हूं, जब भी मैं एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में डालूंगा, व्हेनेवर आई विल बी एडिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट जस्ट लाइक एन यूरिया, या मैं ग्लूकोज की बात कर सकता हूं या मैं शुगर की बात कर सकता हूं, मैं जब भी इनको पानी में ऐड करूंगा वहां पे सिर्फ क्रिस्टल को तोड़ने के लिए पानी अपनी एनर्जी यूटिलाइज करेगा, पर हाइड्रेशन नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो मेरा सोल्यूशन हमेशा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ना मेरा एक अगला क्वेश्चन है आपसे, ना प्लीज सोचना इसके ऊपर और इसको मुझे आंसर देना, कि अगर मैं H2SO4 को ऐड करता हूं, अगर मैं H2SO4 को ऐड करता हूं तो मेरा सोल्यूशन गर्म होगा कि ठंडा होगा, ये कैसे पता चलेगा? और मैंने ऑब्जर्व किया है और हम लोगों ने लेबोरेटरी में किया है, आप जब भी H2SO4 को पानी में ऐड करते हो द सोल्यूशन ऑलवेज बिकम्स हॉट। मुझे आज भी याद है जब मैं MSc कर रहा था और मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की लैब में था, तब मुझे हमारी एक मैम हुआ करती थी, उन्होंने कहा था कि ये H2SO4 है और ये वाटर है, आपको करना ये है, आपको 375 ml वाटर के अंदर आपको कुछ 100 ml H2SO4 को ऐड करना था, और मुझे मेरी मैम ने कहा था कि बेटा इसको बहुत आराम से बहुत प्यार से करना, रीज़न ये है, रीज़न नहीं बताया था, उन्होंने कहा था इसको बहुत प्यार से करना सोल्यूशन गर्म हो जाता है, और आधा घंटा एक घंटा लगाना इसको ऐड करने में, थोड़ा थोड़ा H2SO4 पानी में ऐड करते रहना। अब यार किसको किसको इतना पेशेंस होता है कि वो आधा एक घंटा रुकेगा पानी ऐड करेगा। मैंने क्या किया, 15 मिनट्स में पूरा डाल के खत्म कर दिया। ट्रस्ट मी, आफ्टर 15-20 मिनट्स माय टीचर केम इनसाइड, और जब उन्होंने उस बीकर को हाथ लगाया द सोल्यूशन वॉज डैम हॉट, मेरा बीकर पूरा गर्म हो गया था। तब मैम ने मुझसे पूछा कितना टाइम लगाया, मैम 15 मिनट में डाल दिया। मैम ने मेरा हाथ पकड़ा और बीकर को टच करके दिखाया, एंड लिटरली ट्रस्ट मी द बीकर वॉज क्वाइट हॉट। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि H2SO4 को जब पानी में डाला तो पानी गर्म क्यों हो गया, व्हाट वाज द रीजन कि मेरा जो सोल्यूशन बना, पानी नहीं कहूंगा सोल्यूशन जो बना वो गर्म क्यों हो गया। मैं बहुत सोचा, इंटरेस्ट में मुझे उस समय तक ये नहीं पता था, एंड आज जब मुझे उसका आंसर पता चला तो मैं खुद पे हंसता हूं कि वाओ दैट वाज सो सिंपल। सो दिस इज द सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, व्हाई H2SO4 ऑन एडिंग इन वाटर द सोल्यूशन बिकम्स हॉट, प्लीज सोचो। नहीं देखो सर, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि जब भी मेरे पास एक क्रिस्टल आएगा, मेरे पास एक क्रिस्टल आएगा तो मेरा वाटर पहले तो उसमें एनर्जी सप्लाई करेगा, लाइक इट विल गिव सम एनर्जी तो उसको ब्रेक करने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए, तो मेरे पानी का एनर्जी कम हो जाएगा। उसके बाद वहां पे वो कटायंस और अनायंस में अगर डिसोसिएट होता है, कटायंस और अनायंस में, तो फिर हाइड्रेशन हो जाएगा, हाइड्रेशन होने के बाद एनर्जी रिलीज होगी। तो सोल्यूशन गर्म होगा कि सोल्यूशन ठंडा होगा वो डिपेंड करेगा कि लटाइस में कितनी एनर्जी गई और हाइड्रेशन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। पर सर H2SO4 तो पहले से लिक्विड होता है,
अगर H2SO4 पहले से लिक्विड होता है तो सर उसके लैटिस एनर्जी का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर लैटिस एनर्जी का सवाल नहीं उठता है तो सर जैसे ही आप लिक्विड को अंदर डालोगे H2SO4 को, सर लैटिस का तो सवाल ही नहीं उठता, दैट्स नो लैटिस। तो सर पूरा का पूरा एनर्जी जो लैटिस में यूज होने वाला था वो सेव हो जाएगा। तो मेरे पानी को आप कुछ एनर्जी देना नहीं है, उल्टा डायरेक्टली H2SO4 अंदर जाने के बाद H+ और SO4-2 में डिसोसिएट हो जाता है। उसको डिसॉल्व करने के लिए यू डोंट हैव टू सप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी फ्रॉम वाटर फ्रॉम सॉल्वेंट। तो सर यहां जैसे ही वो H+ और SO4- में प्रोड्यूस होगा डायरेक्ट हाइड्रेशन हो जाएगा। अब सर मुझे एक बात बताओ, मैंने तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी दी ही नहीं पर वो अंदर आके डिसोसिएट होगा तो हाइड्रेशन हो गया, तो एनर्जी सिर्फ प्रोड्यूस हुई है, कहीं यूज नहीं हुई है। और अगर कहीं यूज हुई नहीं है तो एनर्जी सिर्फ प्रोड्यूस हुई है तो मेरा जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या होने वाला है, माय सोल्यूशन इज गोना बी हॉट। आई होप समझ में आया। तो सर उस समय मेरा दिमाग नहीं चला कि H2SO4 भाई लिक्विड होता है, जब आप उसको पानी में डालोगे तो वाटर को कुछ एनर्जी देनी नहीं पड़ती है उसको डिसॉल्व करने के लिए, वो अपने आप रेडिली डिसॉल्व हो जाता है, उल्टा वो डिसोसिएट भी हो जाता है और डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रेशन होता है और हाइड्रेशन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। एंड दैट्स द रीजन H2SO4 का सोल्यूशन ऑलवेज आप जब भी देखोगे वो हॉट। इसीलिए हमको कहा जाता है नेवर एड एन एसिड इनटू द वाटर डायरेक्टली, आप स्लोली ऐड करो, डायरेक्ट एकदम ऐड मत कर दो, द चांसेस आर इट में बम्प या चांसेस आर कि वो सॉल्यूशन बहुत गर्म हो जाएगा, इट में हीट अप और वो हीट अप करने के वजह से आपका बीकर या आपका टेस्ट ट्यूब फट सकता है। सो दिस इज अ वार्निंग कि प्लीज जब भी आप एसिड्स के साथ खेलोगे स्पेशली H2SO4 को जब पानी में ऐड करोगे बी क्वाइट बी काम आराम से करो सर, डोंट प्ले विद द केमिकल्स, केमिकल्स आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे मे हार्म यू, प्लीज टेक केयर। सो मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ सर, मैं कंक्लूजन इस पूरे डिस्कशन से ये निकाल सकता हूँ कि मेरा सोल्यूशन गर्म होगा कि ठंडा होगा वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं सल्यूट कैसा है, ऑब्वियसली सर सिर्फ लैटाइज एनर्जी या सिर्फ क्रिस्टल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं सल्यूट पे भी डिपेंड करेगा। तो मैं यूं कह सकता हूँ कि मानो अगर मेरा सल्यूट, आई एम स्टार्टिंग विद सल्यूट, अगर मेरा सल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट है, इफ आई हैव गॉट एन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट, या मेरा सल्यूट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इट्स एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब वो इलेक्ट्रोलाइट में इट कैन बी अ सॉलिड, भाई सॉलिड हो सकता है, और इट कैन बी अ लिक्विड। सिमिलरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट में इट कैन बी अ सॉलिड, वो सॉलिड हो सकता है या वो लिक्विड हो सकता है, मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड भी हो सकता है। नाउ अगला क्वेश्चन ये है कि मानो अगर आपने किसी सॉलिड को सॉल्यूशन के अंदर डाला है, आप एक सॉलिड को ऐड कर रहे हो, तो मेरा सॉल्यूशन ठंडा होगा कि गर्म होगा वो डिपेंड करेगा कि लैटिस एनर्जी कितनी है और वो डिपेंड करेगा कि हाइड्रेशन कितना होता है। सो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि मेरा यहां जो सॉल्यूशन है वो ठंडा होगा कि गर्म होगा, यानी डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एच ऑफ लैटाइस एज वेल एज डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो सॉल्यूशन ठंडा ही होगा कि वो सॉल्यूशन गर्म होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका लैटिस कितना स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है कितना ताकतवर है। सर यही रीजन होता है, आप कभी देखो बोरोन है ना, बोरोन इज वेरी स्मॉल और बोरोन का जो स्ट्रक्चर होता है, बोरोन का जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है वो बहुत टाइटली पैक्ड होता है। इसलिए आप अगर बोरोन को पानी में डाल भी देते हो तो बोरोन जल्दी डिसॉल्व नहीं होता। इसका रीजन ये है कि वाटर को उस समय बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उस क्रिस्टल लैटाइस को तोड़ने के लिए डिसॉल्व करना, भी नहीं होगा तो रिएक्ट कैसे करेगा, जब तक वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो जाता या जब तक वो अंदर जाके डिसॉल्व नहीं हो जाता इट वोंट रिएक्ट। द नेक्स्ट विल बी कि अगर मेरे पास सॉलिड है तो वो हॉट होगा, डिपेंड करेगा लैटाइस पे डिपेंड करेगा हाइड्रेशन पे, पर अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है तो सर अगर वो मेरा इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है तो सर हाइड्रेशन का तो सवाल ही नहीं आता, लैटाइस का तो सवाल ही नहीं आता। तो डायरेक्ट यहां जैसे ही लिक्विड जाएगा वो पहले सबसे पहले जाते ही क्या हो जाएगा डिसोसिएट, और अगर वो डिसोसिएट होगा तो सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो मेरा डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन जो होने वाला है इट विल बी ओनली डिपेंडेंट अपॉन डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, बिकॉज लैटाइस का एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाता है जीरो, एंड हाइड्रेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। सो वेन एवर एनर्जी इज रिलीज्ड तो मेरा सोल्यूशन हमेशा वहाँ पे क्या होगा गर्म होगा, वेर इज लैटाइस के अंदर हमेशा एनर्जी यूटिलाइज होती है और हाइड्रेशन में हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इफ यू हैव गॉट एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट और आपने एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है और आपने उस सॉलिड को अगर आपने डाला है मेरे कंटेनर के अंदर, मेरे पास वाटर है सर, सबसे बड़ी बात है सॉलिड है तो अंदर जाएगा तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मुझे एनर्जी देनी पड़ती है उसके बाद वो आयंस नहीं बनाएगा क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आयंस नहीं बनाएगा तो हाइड्रेशन नहीं होगा, अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगा। और सर हमको पता है लैटिस एनर्जी में हमेशा मुझे एनर्जी देनी पड़ती है लैटिस को तोड़ने के लिए, तो सर यहां पे हमेशा मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कोल्ड, और यहां पे हमेशा जो मेरा सॉल्यूशन वो होगा वो क्या होगा हॉट। सर यहां पे मेरा सॉल्यूशन कोल्ड भी हो सकता है, मेरा सॉल्यूशन हॉट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन लैटिस ज्यादा है कि हाइड्रेशन ज्यादा है। सर यहां पे हमेशा कोल्ड होगा क्योंकि मेरा सॉल्यूशन हॉट होगा क्योंकि यहां पे लैटिस नहीं है सिर्फ हाइड्रेशन होता है, मेरा यहां पे सॉल्यूशन हमेशा ठंडा होगा, रीजन क्या है सर,
यहाँ पे हाइड्रेशन नहीं होता है, सिर्फ आपका लैटिस में एनर्जी यूटिलाइज होता है। व्हाट अगर मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड है? सर अगर मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड है तो सर उस केस में क्या होगा, आप एक लिक्विड को अंदर डाल रहे हो, पहली बात ना तो वहां पे लैटिस एनर्जी का जरूरत पड़ने वाला है क्योंकि लिक्विड है सर, दूसरी बात ना ही वो आयंस बनाने वाला है, ना वो कटायन में कन्वर्ट होगा ना वो अनायन में कन्वर्ट होगा, वो सिंपली अंदर जाके डिजोल्व होगा। देर विल बी नो इंटरेक्शन ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट, देर विल बी नो इंटरेक्शन ऑफ लैटिस, लैटिस के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में, तो ना तो ये सोल्यूशन गर्म होगा ना ही ये सोल्यूशन ठंडा होगा, यहां पे टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सर ऐसे सोल्यूशंस में ना गर्माहट आती है ना ठंडक आती है, ये सोल्यूशन में टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जितना था उतना ही रहेगा। आई होप यहां तक समझ में आया।